भारी बारिश के खलल के बावजूद सीएम अपने फतेहपुर प्रवास पर बुधवार को पहुंचे तो बता दें कि सुबह बारिश के कारण कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया था। सुबह करीब 11 बजे सीएम का फतेहपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, किंतु पूरा दिन मूसलाधार बारिश के कारण सीएम करीब 3 बजे फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर पहुंचने पर सीएम का जगह जगह ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने सबसे पहले रेहन के सकरी पुल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इसके पश्चात रेहन से फतेहपुर तक रोड शो से पहुंचकर हाटा चौक पर स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सीएम ने अपने फतेहपुर प्रवास के दौरान करीब 40 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना को जनता को समर्पित किया। इस पेयजल योजना से हर घर नल से जल का प्रावधान के तहत करीब 37 पंचायतों के 70,000 लोगों को पानी मिलेगा। इस योजना में खोड़, कोलरी, कुडल, कस्याल, फतेहपुर, सुनहरा, भाटिया, धमेटा, समकड़, बाड़ी, मनो, सियाल, हाटा, लोहरा, पोलिया, खटियाट, बरोड, होरी देवी, हटली, समलेट, गोलवा, बतराहण, सकरी, जगनोली की जनता को पानी मिलेगा। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एमआई न्यूज हिमाचल। भारी बारिश के खलल के बावजूद सीएम अपने फतेहपुर प्रवास पर बुधवार को पहुंचे तो बता दें कि सुबह बारिश के कारण कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया था। सुबह करीब 11 बजे सीएम का फतेहपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, किंतु पूरा दिन मूसलाधार बारिश के कारण सीएम करीब 3 बजे फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर पहुंचने पर सीएम का जगह जगह ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने सबसे पहले रेहन के सकरी पुल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इसके पश्चात रेहन से फतेहपुर तक रोड शो से पहुंचकर हाटा चौक पर स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सीएम ने अपने फतेहपुर प्रवास के दौरान करीब 40 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना को जनता को समर्पित किया। इस पेयजल योजना से हर घर नल से जल का प्रावधान के तहत करीब 37 पंचायतों के 70,000 लोगों को पानी मिलेगा। इस योजना में खोड़, कोलरी, कुडल, कस्याल, फतेहपुर, सुनहरा, भाटिया, धमेटा, समकड़, बाड़ी, मनो, सियाल, हाटा, लोहरा, पोलिया, खटियाट, बरोड, होरी देवी, हटली, समलेट, गोलवा, बतराहण, सकरी, जगनोली की जनता को पानी मिलेगा। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एमआई न्यूज हिमाचल। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।